अंदर हुआ है, किस तरह की बात? देखिए, हमने इलेक्शन पिटीशन फाइल करी है, लिंक चैलेंज टू द इलेक्शन ऑफ वन सीट ऑफ राज्यसभा, और ग्राउंड हमने रखा है। वी आर ऑन प्रिंसिपल ऑफ लॉ, कोई इसमें डिस्प्यूटेड फैक्ट्स नहीं है, सारे एडमिटेड फैक्ट्स हैं। ओनली ऑन प्रोविजन ऑफ लॉ वी हैव लेड अ चैलेंज। तो कोर्ट ने हमारी प्रिलिमिनरी सबमिशन सुन के सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करते हुए नोटिस इशू कर दिया है रिस्पॉन्डेंट को। अब उनकी तामील होगी, वो आएंगे, क्या कहते हैं, उसके बाद की प्रोसेस अब आगे चलेगा। किसे नोटिस इशू किया गया है? द इलेक्टेड कैंडिडेट श्री हर्ष महाजन जी को, ही इज़ द रिस्पॉन्डेंट, उनको नोटिस जारी हो गया है। 23 मई की अगली तारीख रखी है। देखिए, वो हमने जो बोला, जिस तरह का, जब वोट कास्ट होने के बाद दोनों कैंडिडेट को बराबर वोट पड़े, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर प्रोसीजर दिया गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर को क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। हमारा सिर्फ मत ये है कि नॉन कम्प्लायंस ऑफ सेक्शन 65, ड्रॉ ऑफ लॉट जब हो जाता है, उसके बाद जब क्लियर उसमें मैंडेट नहीं है, एक को चुनाव करना है, तो क्या प्रक्रिया फॉलो करनी थी, हमारे हिसाब से वो सही नहीं हुई है, इसलिए हमने उनके जो इलेक्शन है उसको चैलेंज किया है। तो परिणाम पहले जाता है। इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मामला विचाराधीन है। इट मे अफेक्ट अस ऑल्सो, लेट अस सी व्हेन दे कम एंड व्हाट ऑल दे से, उसके हिसाब से डील किया जाएगा। माननीय जस्टिस अजय, श्री अजय गोयल जी की अदालत में ये केस लगा था और अभी नोटिस जारी हो गया है। बाकी कुछ कहना इसमें क्या है, क्या होगा, ये इट विल बी टू अर्ली टू से, एंड आई वुड नॉट लाइक टू से एनीथिंग बियॉन्ड दिस। 23 मई की तारीख अगली मुकर्रर हुई है, तो 23 मई को अब आगे होगा। थैंक यू सो मच।